नमस्कार, एनसीईआरटी के लाइव इंटरैक्टिव प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा त्रिपाठी। आप हमें देख रहे हैं स्वयं प्रभा के चैनल किशोर मंच पर, और साथ ही आप हमें देख सकते हैं एनसीईआरटी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी ऑफिशियल पर भी। सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान का नाम लेना चाहिए, उन्हें इस सुंदर जीवन के लिए धन्यवाद करना चाहिए। बच्चों को ये आदत स्कूल से लगती है। स्कूल में सुबह की प्रार्थना का अलग ही महत्व है। इन दिनों स्कूल तो बंद है, तो आप में से कितने बच्चे सुबह उठकर अपने स्कूल की प्रार्थना बोलते हैं या भगवान को याद करते हैं? प्रार्थना सभा का महत्व आज हम समझेंगे, यही आज का हमारा विषय है। विद्यालय की प्रातःकालीन प्रार्थना सभा का महत्व और इसमें संगीत का क्या महत्व है, हम स्पेसिफिकली संगीत के महत्व पर आज बात करने वाले हैं। ये सेशन अपर प्राइमरी क्लासेस के बच्चों के लिए है और हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रही हैं जो आपको बहुत सारी अच्छी और सुरीली प्रार्थनाएं गाकर सुनाएंगी और सिखाएंगी, उनके बारे में बताएंगी, उनका महत्व समझाएंगी। हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर ममता शर्मा, आप एपीजे स्कूल नोएडा से हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर ममता। नमस्कार नेहा जी, और आपने बहुत कुछ बता दिया और मैं समझती हूँ कि आज जो भी कुछ हम इस प्रोग्राम के माध्यम से बच्चों को बताएंगे उससे उनको जरूर लाभ होगा। बिल्कुल जरूर, हम भी ऐसी ही उम्मीद करते हैं। आपसे बातचीत शुरू करें उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि अगर आप हमेशा प्रार्थना बोलते हैं या अपनी कोई फेवरेट प्रार्थना हमें गाकर सुनाना चाहते हैं, हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप अपने कॉल कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर्स पर। हमारे नंबर्स हैं 1800111265 और 1800112199। अगर आप हमें हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी ऑफिशियल पर देख रहे हैं तो वहां कमेंट सेक्शन में भी आप हमसे अपनी बात शेयर कर सकते हैं और आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है ciet.kishormanch@gmail.com। यहाँ अपने सवाल, सुझाव, अपना फीडबैक हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। तो आइए आज की बातचीत शुरू करते हैं, अपने एक्सपर्ट से बात करते हैं। किसी भी तरह के बातचीत का, अगर हम कोई प्रार्थना बोलें, कोई गाना गाएं, किसी तरह के कोई श्लोक दोहा कुछ भी करें, म्यूजिक को उसका बैकबोन समझा जाता है डॉक्टर ममता। तो सुबह की प्रार्थना के महत्व को हमें समझाते हुए एक सुरीली प्रार्थना से हमारे इस सेशन की शुरुआत करें। हाँ, मैं जरूर आपको सुरीली प्रार्थना सुनाऊंगी, लेकिन मैं उससे पहले थोड़ा सा उसका एक आपको सुबह की जो प्रार्थना सभा है उसका मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहूंगी। जरूर। जब से हम पढ़ते थे तब से और आज तक सुबह की जो प्रार्थना सभा है वो स्कूल को उसके बिना सोचा नहीं जा सकता ना, और स्कूल की शुरुआत ही उससे होती है। तो जब हम सुबह में स्कूल आते हैं और जो हमारे बच्चे हैं, हमारे जो अध्यापक गण हैं और जो हमारे प्राचार्य हैं, वो जब एक स्थान पर एकत्रित होते हैं तो वो हमारी मॉर्निंग असेंबली कही जाती है। उस मॉर्निंग असेंबली में कोई बच्चा, सारे बच्चे एक जैसे यूनिफॉर्म पहने होते हैं, उनमें एक बड़ा एकता की भावना आती है। कोई बड़ा है, छोटा है, ऊंचा है, नीचा है, उसका फैमिली स्टेटस क्या है, बच्चों को इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक लाइन में खड़े होते हैं अपनी क्लास वाइज या अपने हाउस वाइज, जैसे भी वो खड़े होते हैं, तो वो एक बहुत अच्छा एनवायरमेंट होता है सुबह की जो प्रार्थना सभा है। उसी तरीके से जब हम सुबह की प्रार्थना सभा शुरू करते हैं तो क्या होता है कि पूरी असेंबली तो गाती है, बट हम कुछ बच्चों को, चुनिंदा बच्चों को जो थोड़े ज्यादा सुरीले होते हैं, उनका एक हम लीडिंग ग्रुप बना देते हैं जिसको हम कॉयर कहते हैं। तो हम कॉयर जो बनाते हैं वो भी हम अलग अलग, स्कूल का अपना अलग अलग तरीका होता है। हम एक दिन की एक प्रार्थना रख सकते हैं, 5 या 6 दिन स्कूल वर्किंग है तो अलग अलग दिन की अलग अलग प्रार्थना रख सकते हैं हम, और या हम जैसे एक वीक में एक हाउस अपना असेंबली कराता है तो हम हर हाउस का अलग अलग कॉयर बना सकते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को गाने का मौका मिले और ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सके। तो जैसे टीम स्पिरिट की बात कर रही हैं आप यहाँ पे कि अगर सारे बच्चे एक साथ खड़े हैं, एक जैसे दिख रहे हैं, एक जैसी प्रार्थना बोल रहे हैं, टीम स्पिरिट आती है और जो कॉयर है उससे लीडरशिप क्वालिटी भी डेवलप होती होगी। बिल्कुल हाँ, उनमें लीडरशिप आती है और एक साथ गा रहे हैं तो टीम की भावना, और अगर हाउस वाइज कर रहे हैं तो टीम स्पिरिट बहुत ही ज्यादा आती है उनमें। अपने हाउस, हमारा हाउस अच्छा रिप्रेजेंट करे, ये बच्चों में एक फीलिंग होती है। तो जैसा कि आपने बोला,
मैं एक प्रार्थना से ही शुरुआत करूंगी। हालांकि हम सुबह की प्रार्थना सभा में बहुत कुछ चीजें करते हैं, बच्चे समाचार वाचन करते हैं, बच्चे थॉट ऑफ द डे बोलते हैं, कुछ अच्छा थॉट बोलते हैं, लेकिन प्रार्थना सबसे इम्पॉर्टेंट जो है उसका पहलू है सुबह की प्रार्थना सभा का। तो मैं एक प्रार्थना आपको थोड़ा सा बताती हूँ। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, खुद को जय करें। हमको मन की शक्ति देना, भेद भाव अपने दिल से साफ कर सके, दूसरों से बचे रहे, सच कदम भरे, दूसरों के जैसे पहले खुद को जय करें। हमको मन की शक्ति देना। तो जिस तरीके से हमने ये प्रार्थना गाई, इसी प्रार्थना में आप देखिए कितने अच्छे जो वर्ड्स हैं और कितनी अच्छी सीख है कि भेदभाव अपने दिल से साफ कर सके, दूसरों से भूल हो तो माफ कर सके। हमें अपने मन में कोई ग्रज बना के नहीं रखना चाहिए, और अगर किसी से कोई गलती हो गई है तो हमें उसको माफ कर देना चाहिए। और इसी प्रार्थना के ही जरिए अभी बहुत सारे स्कूल्स में ऐसा होता है नेहा जी कि संगीत एक पाठ्यक्रम के रूप में, मतलब पाठ्यक्रम क्या मतलब एक सब्जेक्ट के रूप में नहीं पढ़ाया जाता है। जैसे मेरे स्कूल में भी है, एक्टिविटी क्लासेस में म्यूजिक होता है, तो वहाँ हम पूरा क्लासिकल म्यूजिक बच्चे को नहीं पढ़ा सकते हैं, इतने पीरियड हमको नहीं मिलते हैं। तो हम लेकिन अपने क्लासिकल म्यूजिक का भी थोड़ा बहुत ज्ञान जो गाने हम सिखाते हैं उनके थ्रू बच्चों को दे सकते हैं। जैसे मैंने यही प्रार्थना गाई, तो इसी में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से मैं बच्चों को बता सकती हूँ कि इसमें जो स्वर प्रयुक्त हो रहे हैं वो राग केदार है। एक हमारा राग केदार है, राग केदार के स्वर इसमें प्रयुक्त हो रहे हैं। जी, जैसा कि आपने बताया राग केदार है। जी हाँ, और राग केदार की मैं बस सिर्फ दो लाइन गा के आपको बताऊंगी। राग केदार के स्वर लगते हैं। इसी तरीके से हम बच्चों को बता सकते हैं कि इसमें ताल कौन सी प्रयुक्त हो रही है। तो इसमें जो हम ताल प्रयुक्त कर रहे हैं वो 3/3 का बीट है। 3/3 मैं इसलिए कह रही हूँ, आप बोल सकते हैं कि आपने हिंदी में ताल क्यों नहीं बताया, क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं वो आजकल एक बहुत प्रचलित वाद्य है बच्चों में, सिंथेसाइजर जिसे हम बोलते हैं, कीबोर्ड, हर बच्चे के घर में वो होता है, उसमें इनबिल्ट तालें होती हैं। तो सभी सिंथेसाइजर में 3/3 का बीट, 4/4 का बीट, 2/2 का बीट, तो बच्चों को जल्दी समझ आता है।
हम बता सकते हैं कि इस ताल में जो प्रार्थना में जो ताल प्रयुक्त हो रही है उसमें 3/3 का बीट लगता है, और जो ये 3/3 का बीट है इसको हम हिंदी में दादरा ताल है। जैसे मैं आपको गा के बताती हूँ, हमको मन की शक्ति देना, 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 धा धी ना धा ती ना धा धी ना धा ती ना, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे। तो ये 3/3 के बीच में सारा हमारा जो ये है प्रार्थना है वो चल रही है। इसके द्वारा हमने बच्चों को स्वरों का इस प्रार्थना के इसकी ताल का भी बोध करा दिया, और इस तरीके से हम जो सुबह की प्रार्थनाएं हैं बच्चों को, हर प्रार्थना में कोई ना कोई मैसेज बिल्कुल। आपने जो बातें बताई उसमें यह है कि प्रार्थना के माध्यम से हम बच्चों को शिक्षाएं दे सकते हैं, अलग अलग तरह की प्रार्थना में अलग अलग सीख होती है, संगीत का ज्ञान दे सकते हैं, संगीत सिखा सकते हैं, उन्हें उसके बेसिक्स तो कम से कम उनके लिए क्लियर कर सकते हैं। आपने इंस्ट्रूमेंट्स की भी बात की कि बच्चे अपने घर में जो भी उनके इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको बजा सकते हैं और उनके उनके साथ गीत गा सकते हैं। आप भी किसी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर रही हैं, किस इंस्ट्रूमेंट का आप इस्तेमाल कर रही हैं इस वक्त जिसका म्यूजिक हम सुन पा रहे हैं, और घर में इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से बच्चों को प्रार्थना करनी चाहिए तो कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं जो उनकी हेल्प करेंगे? देखिए आजकल जो बच्चे हैं ऐसे तो हारमोनियम बहुत अच्छा है, हमारे टाइम में तो हारमोनियम से बजाते थे, लेकिन बच्चे आजकल वेस्टर्न हारमोनियम का ही हुआ है, कीज है उसी में, हारमोनियम जैसी कीज है और उसमें बेलो नहीं करना पड़ता, तो कीबोर्ड रख सकते हैं उसमें आराम से निकाल सकते हैं, नोटेशन मिल सकती है। हम लोग जो टीचर्स हैं अपने टीचर से नोटेशन लिखा के ले जाएं और नोटेशन से बजाएं तो वो आराम से निकाल सकते हैं। मैं अभी कोई प्रॉपर वाद्य मतलब ऐसे नहीं ले रही हूँ, तानपुरा है रिकॉर्डेड मेरे मोबाइल में जो मैं बजा रही हूँ, बस उसमें सापा स्वर मुझे मिल रहा है और उसी की उस मदद से मैं गा रही हूँ। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि प्रार्थना जो हम गाते हैं प्रार्थना गीत उसका कितना महत्व है, इसी तरीके से हम कुछ शिक्षाप्रद श्लोक बच्चों को सिखा सकते हैं असेंबली में। मैं आपको बता दूं हमारे कुछ दर्शक है वो हमें बता रहे हैं, जैसे प्रमोद जी है वो कह रहे हैं हम सितार बजाते हैं, हमारे हाँ। दर्शक है वो कह रहे हैं कि हम पियानो बजाते हैं, तो इस तरह के जो वाद्य यंत्र हैं वो लोग घर में इस्तेमाल कर रहे हैं। और प्रार्थना के अलावा क्या क्या हो सकता है मॉर्निंग असेंबलीज में और बच्चे से और क्या क्या सीख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वही मैं बता रही हूँ कि हम बच्चों को कोई बहुत अच्छा शिक्षाप्रद श्लोक जिसकी द्वारा हम उसको मैसेज दे सकते हैं, और संस्कृत जो हमारी हिंदी जो हमारी मातृभाषा है उसकी भी जननी है संस्कृत, तो संस्कृत के कुछ अच्छे श्लोक अगर उनको सिखाते हैं तो वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट संस्कृत भी सीखते हैं और म्यूजिक के माध्यम से बहुत जल्दी सीख लेते हैं। मैं एक शिक्षाप्रद आपको बहुत अच्छी मेरे को बहुत अपील करता है एक श्लोक गा के सुनाती हूँ। न चोर हार्यम न राज हार्यम न भ्राति भाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। अर्थात न चोर हार्यम जिसको न तो चोर चुरा सकता है, न राज हार्यम जिसको न राजा ले सकता है, ना भ्रात भाजन जिसका ना भाई विभाजन कर सकता है, और न च भार जिसका कोई भार भी नहीं। ऐसा विद्या का जो धन है वो जितना भी हम खर्च करेंगे वो बढ़ता ही जाएगा, और ऐसा विद्या का जो धन है वो सर्व धनों में सबसे बड़ा धन है। तो इस माध्यम से हमने बच्चों को ये भी बताया कि विद्या के बिना कुछ नहीं, पढ़ना तो बहुत जरूरी है ना, पढ़ाई तो बहुत जरूरी है। इसी तरीके से हम अपना वैदिक चैंटिंग, जैसे वेदों में आप
आजकल देख रही हूँ कि आजकल तो विदेशों में हमारे वेद पढ़ाए जा रहे हैं, वो लोग हमारे वेदों को फॉलो कर रहे हैं। तो हम अपने बच्चों को थोड़ा बहुत वैदिक चैंटिंग जो जब लिखे गए थे तब से आज तक आज भी वो उतने ही उनकी जो सीख रेलेवेंट है उतने ही रेलेवेंट है। और हमारे जो वेदों में जो भी ऋचाएं लिखी गई हैं, जो भी मंत्र लिखे गए हैं, वो सब संगीतबद्ध है, वो एक तालबद्ध है। ठीक है, मैं एक आपको उदाहरण देती हूँ छोटा सा। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानता देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। अर्थात हम सभी मिलकर चलें, हम सभी संवदध्वं एक जैसा बोलें, मधुर बोलें, संवो मनांसी जानताम हमारे सबकी मनों की मनोदशा एक जैसी होनी चाहिए। और जिस तरीके से हमारे देवता लोग, हमारे पुराने लोग, गुणी लोग साथ मिलकर उपासना करते थे, साथ मिलकर अपने कर्तव्यों का पालन करते थे, उस तरीके से हमें साथ मिलकर चलना चाहिए। तो ये जो हमारे संस्कृत के श्लोक हैं, दोहे हैं, वो सॉरी मंत्र हैं, इनसे हमें बच्चों को बहुत अच्छा एक म्यूजिकल एनवायरनमेंट भी देते हैं और हम बच्चों को इससे बहुत अच्छी अच्छी सीख भी दे सकते हैं। जी, एक बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट बन जाता है हमारे आसपास इस तरह के ध्वनियों से, क्योंकि हम घर में भी देखते हैं कई बार सुबह सिर्फ ओम के चैंट हम खुद ना भी कर पाए तो हम म्यूजिक लगा देते हैं और उसको लगातार सुनते रहते हैं। आंख बंद करके आप थोड़ी देर अगर मेडिटेट कर रहे हो तो उस ओम की ध्वनि से आप अच्छा मेडिटेट कर पाते हैं, आपको इंटरनली अच्छा फील होता है, फ्रेश फील होता है, गुड फील होता है। वही शायद वजह है कि स्कूल में प्रार्थनाओं का इस तरह से शुरुआत हुई होगी और चलन हुआ होगा। भजन वगैरह भी इसमें इन्वॉल्व किए जा सकते हैं। हाँ, हम भजन सिखा सकते हैं, हम कोई दोहे भी सिखा सकते हैं। दोहे भी हमारे बहुत कबीर सूर तुलसी उन हम सूरदास का कोई भजन, मीरा का कोई भजन, वो भी करा सकते हैं। तो मैं एक आपको उस एक दोहा बताती हूँ जैसे बहुत पॉपुलर दोहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहू शीतल हो। बिल्कुल, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहू शीतल होए, कबीरा आपहू शीतल होए। तो इसमें बच्चों को मैसेज मिल रहा है कि हम ऐसी वाणी बोले जो कि औरों को भी अच्छी लगे और हमको भी अच्छी लगे। हम दूसरों से तो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे साथ मीठा बोले, लेकिन हमारी भी ये ड्यूटी है कि हम औरों के साथ भी अच्छे वचन बोले। और जिस तरीके से अभी वो आपने नाम लिया था, सर ने बोला कि हम सितार बजाते हैं, कुछ है हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में और जो बड़े शहर हैं उनमें बच्चों को सीखने के लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं। बहुत सारे लोग कोई बिरजू महाराज जी के इंस्टीट्यूट पे सीखने जाते हैं, कोई गंधर्व महाविद्यालय में सीखता है, कोई अच्छे बहुत सारे गुरु हैं प्राइवेट उनसे जाके सीखते हैं। तो हम हफ्ते में एक दिन ऐसा जरूर बनाए नेहा जी कि जिसमें हम उन बच्चों का परफॉर्मेंस रखें, 5 मिनट 7 मिनट। अगर हम एक दिन कोई SST के ऊपर या एक दिन मैथमेटिक्स के ऊपर बच्चों से बुलवाते हैं तो एक दिन हम म्यूजिक के लिए भी दें जिसमें वो बच्चे अपना प्रेजेंटेशन दें, उससे बाकी बच्चों को जो असेंबली के बाकी बच्चे उनको बहुत मोटिवेशन मिलता है। और एंड में जब हम रोज का जो हमारी असेंबली होती है उसका जब हम एंड करते हैं, नॉर्मली स्कूल्स में हम नेशनल एंथम गाते हैं ज्यादातर, लेकिन हाँ। हम उसमें भी वैरायटी ला सकते हैं। नेशनल एंथम तो कराना ही है, वो तो नेशनल एंथम के साथ हम कुछ और भी जोड़ सकते हैं, जैसा आपने कहा कि हर दिन एक अलग तरह की प्रार्थना हो तो क्लोजिंग भी जो उस प्रार्थना सभा की वो अलग हो सकती है, क्या क्या वैल्यू एडिशन हो सकता है उसमें। हम जैसे नेशनल सॉन्ग करा सकते हैं, हमारा जो वंदे मातरम है
वो बच्चों को करा सकते हैं, सारे जहां से अच्छा करा सकते हैं। हिंदी देश के निवासी जो कम्युनिटी सिंगिंग वाले सॉन्ग है जिनमें बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, जिसको सारी असेंबली गा सकती है, तो उस टाइप के हम सॉन्ग बच्चों को करा सकते हैं। और ये जो हमारी रोज की असेंबली है, ये बच्चों में जब हम सुबह प्रार्थना करते हैं तो जो हम श्लोक करा रहे हैं, जो आपने बोला भजन करा रहे हैं, इससे बच्चों में एक एकता की भावना, एक उदारता की भावना, है ना, दया की भावना, ये सब चीजें उनके करेक्टर में आती हैं। और अब जो कम्युनिटी सिंगिंग के सॉन्ग आते हैं उनसे एक नेशन बिल्डिंग की भावना उनमें आती है और बहुत ही सकारात्मक उनकी सोच बनती है संगीत के माध्यम से और इन गीतों के माध्यम से। तो ये मैंने अभी बताया आपको जो हम डेली की असेंबली करते हैं जी, तो रोजाना की हमारी प्रार्थना सभा है। रोजाना की इसी प्रार्थना सभा में मैं आपसे समझना चाहूंगी, आपने कहा कि कोई कॉयर होता है, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको सामने खड़ा किया जा सकता है, ऐसा भी किया जा सकता है। हमारे बहुत सारे बच्चे संगीत सीखते हैं, जैसा कि आपने खुद ही कहा कि घर की तरफ से उनको संगीत सीखने की कोई शिक्षा अगर वो ले रहे हो, तो इस तरह के बच्चे वहां पर अपनी प्रतिभा को भी थोड़ा सा एक सेगमेंट अगर दिया जाए हर एक दिन एक अलग बच्चे को, तो अपना कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा के या अपना कोई संगीत का कोई पीस सुना के हम बिल्कुल प्रमोट कर सकते हैं बच्चों को। इससे और ज्यादा एक तो एक बच्चा जो सीख रहा है उसे अच्छा लगेगा ही कि मेरी प्रतिभा मैं दिखा पा रहा हूँ, दूसरे बच्चों को लगेगा अगर ये सीख रहा है हम भी सीख सकते हैं, और बिल्कुल, बच्चे में एक भावना आती है। एक जो पीयर प्रेशर होता है, जो पीयर ग्रुप होता है, बच्चा बच्चे को देख के बहुत सीखता है। बिल्कुल, मैं उनको कहूंगी कि ये सीखो तो सीखेंगे, लेकिन वो देखेंगे अरे मेरे ही उम्र का बच्चा और इतना अच्छा सितार बजा रहा है तो मैं क्यों नहीं, तो ये फीलिंग उनमें आएगी। हाँ, अब हम थोड़ा सा बढ़ेंगे इसी उस पर कि हम ज्यादा बच्चों को मौका दे सकें। हम जो कुछ अपनी स्पेशल असेंबलीज होती हैं, जो हम कोई त्योहारों पे करते हैं, जो या राष्ट्रीय पर्व पे हम करते हैं, जैसे स्वतंत्रता दिवस पर या गणतंत्र दिवस पर, उस पर हम ज्यादा बच्चों को पार्टिसिपेट करा सकते हैं। जैसे हम कोई प्रतियोगिता रख सकते हैं, इंटर हाउस कॉम्पिटिशन रख सकते हैं, उसमें हम सपोज हमारे स्कूल में चार हाउसेस हैं और चार हाउस में हम एक हाउस से 20 बच्चे ले रहे हैं गाने के लिए, तो हम देखेंगे या 25 बच्चे ले रहे हैं एक हाउस से गाने के लिए, तो एट अ टाइम हम 100 बच्चों को, अगर 25 बच्चे ले रहे हैं तो 100 बच्चे एक ही प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और साथ ही अगर हम उसमें 5 या 7 बच्चे, हम बच्चों को ये कर दें कि जो हाउस के बच्चे गा रहे हैं उसी हाउस के बच्चे इंस्ट्रूमेंट्स बजाएंगे, वो चाहे हारमोनियम बजा रहे हैं, तबला बजा रहे हैं, किसी गाने में वो सितार बजा सकते हैं, फ्लूट बजा सकते हैं, वायलिन बजा सकते हैं, बहुत कुछ वो उसमें, वो उनकी अपनी सोच है अपने हाउस के लिए। तो उसमें हम 100 से ज्यादा बच्चों को एक साथ मौका दे सकते हैं पार्टिसिपेट करने का। और यहाँ जो आप बोले थे कि बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना जो आती है, टीम बिल्डिंग है ना, उनमें एक टीम स्पिरिट आती है, लीडरशिप क्वालिटी आती है कि मुझे अपने हाउस के लिए करना है, वो सारे बच्चे उसमें बहुत कुछ उससे सीखते हैं और एक सकारात्मक सोच बच्चों में होती है। यहां मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि हमारे टाइम में ऐसा होता था कि बोला जाता था ये फिल्म संगीत मत करो बिगड़ जाएंगे, लेकिन आजकल बच्चे मेरे पास आते हैं कहते हैं मैम क्या हम बॉलीवुड गाना नहीं गा सकते। तो ये हमारी एज अ टीचर ये ड्यूटी बनती है कि हम बच्चों को बताएं कि बॉलीवुड मतलब वो जो फास्ट गाने हैं या जैसे चिकनी चमेली वो टाइप के गाने, वही बॉलीवुड नहीं है। बॉलीवुड ने हमें बहुत रिच म्यूजिक दिया है और बॉलीवुड ने हमें बहुत अच्छा म्यूजिक दिया है, बॉलीवुड का हमारे म्यूजिक में बहुत ही अच्छा योगदान है। तो हम उनको बॉलीवुड के भी कुछ अच्छे गाने जैसे सिखा सकते हैं, जो हम इंटर हाउस कॉम्पिटिशन रखते हैं उसमें हम इंस्पिरेशनल सॉन्ग या मोटिवेशनल सॉन्ग का कॉम्पिटिशन रख सकते हैं, जिसमें हम बॉलीवुड के भी बहुत सारे गाने बच्चों को सिखा सकते हैं। जैसे मैं एक गाना आपको बताती हूँ जिसके बोल बहुत अच्छे हैं, पुराना गाना है, बॉलीवुड का है और बहुत ही उसमें मतलब शिक्षाप्रद भी है, आप सुनिएगा। इसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, इसी का दर्द मिल सके तो ले उधार,
इसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। तो ये बॉलीवुड का ही गाना है, लेकिन हम ये बच्चों को सिखा सकते हैं। इसी तरीके से एक और गाना है, वो तो बहुत पुराना नहीं है, मुझे बहुत उसके वर्ड्स अपील करते हैं, और रूपक ताल, क्योंकि बच्चों को मुश्किल ताल लगती है, लेकिन गाने के बीच में वो आराम से सीख जाएंगे। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हाई दिल तो क्या, तुम तो नादिर नाना देर नाना, तुम तो नादिर नाना देर नाना, राह पे कांटे बिखरे अगर, उस पे तो फिर भी चलना ही है, शाम छुपा ले सूरज मगर, रात को एक दिन ढलना ही है, रुते तल जाएगी हिम्मत रंग लाएगी, सुबह फिर आएगी, तुम तो नादिर नाना देर नाना, तुम तो नादिर नाना देर नाना। ये तो आज के टाइम में भी कोरोना का टाइम चल रहा है, COVID-19 चारों तरफ फैला हुआ है, तो बहुत ही इंस्पिरेशनल सॉन्ग है कि रुत ये टल जाएगी, हिम्मत रंग लाएगी, सुबह फिर आएगी, तो अच्छा टाइम आएगा हमें। तो हम इस टाइप की गाने जिनमें एक मैसेज है, कितना सुंदर संदेश है इसमें, कितना अच्छा म्यूजिक है, तो हम जो टीचर्स हैं, हमारी ड्यूटी है कि बच्चों को बताएं कि अच्छा म्यूजिक सुनना है। ऐसे गानों में शिक्षा भी है और म्यूजिक भी इतना अच्छा है, तो अच्छा म्यूजिक सुनने से एक अच्छी फीलिंग आती है, एक तरोताजगी आती है, जो हम इस तरीके के जो स्पेशल मॉर्निंग असेंबलीज हम बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज करते हैं, उनमें हम इस तरीके का बच्चों को कॉम्पिटिशन्स रखा सकते हैं, या जैसे उन्होंने बोला, कोई आपने बोला भजन कॉम्पिटिशन करा सकते हैं, कोई फेस्टिवल है तो उस पे हम भजन बच्चों को सिखा सकते हैं, दिवाली का कोई हमारा असेंबली है तो उसमें हम कंपटीशन करा सकते हैं, भजन भजन हम प्रेजेंटेशन करा सकते हैं, और जैसे दिवाली एक बहुत ही उत्साहवर्धक त्योहार है, तो उसमें बच्चे क्या करेंगे कि उनको लगता है कि दिवाली मतलब अच्छा खाना, अच्छा कपड़े पहनना, सब कुछ है, तो कुछ ऐसा तड़कता भड़कता गीत भी बच्चों को हम करा सकते हैं दिवाली पर। मैंने मुझे लगता है कि ऐसे में बच्चे खुद भी कुछ अच्छा लिख सकते हैं, कोई कविता उन्होंने खुद डेवलप की, हाँ। और उसको स्कूल में सिखाएं या सुनाएं उसको म्यूजिक के साथ, और उसको प्रार्थना सभा का हिस्सा बनाएं, या उसको दिवाली का जो अलग से फेस्टिवल है उसका हिस्सा बनाएं, ये भी एक अच्छा आइडिया हो सकता है, बच्चों में लिखने की जो क्षमता है वो भी। तो जैसे दिवाली का मैंने भी जो ये गीत लिखा है वो बच्चों के हिसाब से लिखा है, कोई बच्चा भी लिख सकता है, कोई बहुत मुश्किल गाना नहीं लिखा है, उसमें छोटे बच्चों के लिए कि वो लोग अच्छे दिवाली के दिन रंग बिरंगे कपड़े पहने, रंगोली बनी है, फूल वूल से सब सजाया हुआ है, दिवाली का एटमोसफियर है, तो वो एटमोसफियर क्रिएट करने के लिए मैंने लिखा है, आई आई रे दिवाली, तन मन में उमंग भर लाई रे, तो दिवाली का मतलब ही है मौज मस्ती, तो वही मैं आपको दो लाइन इसकी जरूर सुनाऊंगी। जरूर। दिवाली आई रे, ओ दिवाली आई, आई आई रे दिवाली, आई आई रे दिवाली, तन मन में हो तन मन में उमंग भर लाई रे, दिवाली आई रे, दिवाली आई रे, आई आई रे दिवाली, आई आई रे दिवाली, तन मन में उमंग भर लाई रे,
दिवाली आई रे, दिवाली आई रे। तो ये जो गीत है इसमें, ये तो मैंने अभी बिल्कुल सिंपल यहाँ पे गा दिया है, इसमें हम ढोलक, मंजीरा, झांझ और डफले, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स इसमें प्रयोग करके जब गाएंगे तो इसका एक अलग ही एक फोक का माहौल बन जाएगा और बच्चे बहुत आनंद भी इसमें लेंगे। और यहाँ मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है कि अगर जैसे अभी तक हम जितने भी बच्चों की बात करें, हम कह रहे हैं जिन्होंने सीखा है, जो वाद्य यंत्र चलाना सीखते हैं या गाना सीखते हैं, वो इस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। हमारे कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो इस तरह के वाद्य यंत्र चलाना नहीं सीख रहे होंगे, लेकिन वो भी प्रार्थनाएं गाना चाहेंगे, तो कुछ बेसिक्स आप हमारे ऐसे बच्चों को सजेस्ट करना चाहेंगे? अभी जो मैंने ये गाना गाया जी, इसमें कुछ ना तो बहुत ऊंचा पिच है ना तो बहुत नीचा पिच है, ये तो बिल्कुल एक बीच का पिच है। और ये मास सिंगिंग में है, इसको कोई भी गा सकता है। इसमें बहुत जो आप कह रहे हैं कि सीखे हुए बच्चे जैसे मैंने गाया ये हौसला, तो उसमें थोड़ा सा है कि वो बच्चा सांस का काम है, या थोड़ा सा है कि जो जिसमें स्वर है अच्छा, ऊपर जाना है गाने में, नीचे जाना है, वो गाना थोड़ा सा हम बोलेंगे कि सीखे हुए बच्चे को हम सिखा रहे हैं। लेकिन ये आई आई रे दिवाली है तो कोई भी गा सकता है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो वो हम कॉमन बच्चों के लिए ऐसा करते हैं, तो सारे प्रोग्राम तो हम उन बच्चों के लिए नहीं करते ना जो सीखे हुए हैं कॉमन, और जो मास सिंगिंग जो मैंने बताया जैसे हिंद देश के निवासी, हम सबको सिखा सकते हैं। बहुत ऊंचा पिच नहीं है, सारे जहां से अच्छा पूरी असेंबली गाती है, सब लोग गाते हैं। तो इस टाइप के और भी गाने हम नए नए अपने गाने टीचर्स लोग कुछ लेके कंपोज करते हैं, तो सभी बच्चों के लिए हम करते हैं, वो हम करा सकते हैं। और एक मेरा यहाँ पर सभी विद्यालयों से एक निवेदन है कि हमारा जो संगीत है वो हम खाली पढ़कर नहीं सीखते हैं, सुनकर सीखते हैं। तो सुनने के लिए हमारे पास अच्छे सीडीज होते हैं, रेडियो से हम अच्छा म्यूजिक सुनते हैं, आजकल तो हम यूट्यूब से भी सुनते हैं, बट जो हम रूबरू सुनते हैं नेहा जी, उसकी बात ही कुछ और है। तो मैं विद्यालयों में सभी से ये निवेदन करूंगी कि अपने कुछ स्पेशल असेंबलीज ऐसे करें जिसमें हम बाहर से आर्टिस्ट को बुलाएं और वो परफॉर्म करें। इसमें हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो हम अपने जो एक्स स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे एल्यूमिनाई हैं, उनको हम अपने स्कूल में मौका दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि उन्होंने म्यूजिक को एज अ प्रोफेशन चुना हो, वो इंजीनियर हो सकते हैं, वो डॉक्टर हो सकते हैं, वो कोई मीडिया पर्सन हो सकते हैं, लेकिन कोई बहुत अच्छा उनमें फ्लूट बजाता है, सितार बजाता है, तबला बजाता है, तो उसको हम अपने मंच पर बुलाएं, उसको एक लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन जैसा हम अपनी असेंबली में कराएं, बच्चे अपने क्वेश्चन पूछ सकें कि भैया आपने कहाँ सीखा, कितनी देर आप रियाज करते थे, आप पढ़ते कितनी देर थे, कितनी देर रियाज करते थे। तो वो बच्चों पे एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, उनको लगता है कि हमारे ही स्कूल से पढ़ के गए हैं और देखो इन्होंने अपना पैशन भी बरकरार रखा है और इन्होंने अपना प्रोफेशन भी बरकरार रखा है, तो उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर आता है। और दूसरा, हम बाहर से अच्छे आर्टिस्ट को बुलाएं और अपने यहाँ परफॉर्म कराएं। जैसे हम राजस्थान जाते हैं, राजस्थान आप देखेंगे जब हम इंटीरियर में जाते हैं तो जगह जगह लोग राजस्थान का एक फोक वाद्य है रावण हत्था, वो बजा रहे होते हैं और वो बहुत ही मधुर लगता है। और मैं तो जब भी कभी गई हूँ तो मेरा होता है कि गाड़ी रोक के और थोड़ी देर मैं जरूर सुनती हूँ, बहुत ही मधुर वाद्य है। तो जब, और जो मेरे साथ गाड़ी में और लोग हैं वो तो म्यूजिकल नहीं है ना, तो वो भी सुनते हैं, उनको भी अच्छा लगता है। तो इसी तरीके से हम जब अपने यहाँ बच्चों को असेंबली में ऐसे फोक वाद्य फोक आर्टिस्ट को बुलाते हैं, बंगाल में खोल बजाया जाता है जो कि सचिन देव बर्मन साहब ने अपनी उसमें बहुत प्रयुक्त किया है अपने गानों में, कीर्तन में अक्सर हम खोल का प्रयोग करते हैं। तो वो जो खोल है, कोई खोल के आर्टिस्ट या कोई फोक सिंगर हैं, फोक के बारे में बच्चों को इतना पता नहीं होता है, तो उनके हम लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन अपनी असेंबली में रख सकते हैं कि वो गाएं या बजाएं, कुछ भी जो बच्चों को दिखाएं, उस पर बच्चों पर उसका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। और बाकी जो आपने बताया कि हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं वो तो अपना अपना परफॉर्मेंस दे ही सकते हैं। तो ये जो यहाँ एक सवाल हमारे पास आया है, प्रशांत जी हैं, वो ये पूछना चाह रहे हैं कि बच्चों को कैसे मोटिवेट किया जाए कि वो प्रार्थना सभा का हिस्सा बने,
मतलब खुशी से प्रार्थना सभा का हिस्सा बने, उनको मोटिवेट कैसे किया जाए, कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे आप? जैसे मैं बोल रहा हूँ कि हम गाएंगे, हम जो गाते हैं बच्चे जब सुनते हैं वो मोटिवेट होते हैं। इतने बच्चे हैं जो मेरे पास आते हैं कि मैम मुझे कॉयर में ले लीजिए, तो मैं उनको पहले बोलती हूँ कि बेटा पहले कॉयर के सारे गाने सीखो, फिर मैं तुम्हारा सुर ताल ठीक करती हूँ, जब तैयार हो जाओगे तो मैं तुमको कॉयर में लूँ। इसी तरीके से ऐसे मोटिवेट करने वाली बात है, मैं आपको बता रही हूँ कि हम उनके सामने ऐसे प्रेजेंटेशंस रखें, सुनने से म्यूजिक जो है सुनने से बहुत हमें अपील करता है। अब आप सोचिए जो फिल्म डायरेक्टर है वो हमारे घर आके हमें सिखाते तो नहीं, हमने सारा म्यूजिक तो सुन के ही सीखा है ना। सभी लोग तो भीमसेन जोशी को हर वक्त नहीं सुनने गए हैं, प्रोग्राम में तो नहीं सुनने जा रहे हैं, पंडित जिस रात को सुनने जा रहे हैं, हम उनको घर में ही सुनते हैं। तो सुनने का तो बहुत प्रभाव पड़ता है नेहा जी। हम अपने बच्चों को अच्छा म्यूजिक असेंबलीज में सुनवाएं, उनका उनके चारित्रिक उनमें मोटिवेट, तो गाने बजाने के लिए तो मोटिवेट होंगे ही वो, लेकिन उनका चारित्रिक निर्माण भी उससे होता है, उनमें बहुत अच्छी जो एक संपूर्ण चारित्रिक उनका निर्माण होता है, उनमें एक एकजुटता की भावना आती है, एक आत्मविश्वास बढ़ता है। स्टेज फियर जैसे जो कभी स्टेज पे नहीं जाता उसको बोलने में बहुत डर लगता है ना, जो बच्चा गाता रहता है बजाता रहता है माइक पे बोलता रहेगा उसका सारा स्टेज फियर दूर हो जाता है, तो उसमें एक आत्मविश्वास बढ़ता है। आगे जाके कभी नौकरी में जाएगा इंटरव्यू देगा उसको बोलने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये जो एक आत्मविश्वास उसमें बढ़ता है, बहुत सारे जो फायदे हैं उसको इनडायरेक्टली हो जाते हैं जी। आपकी बातों से जो मैं समझ पा रही हूँ कि बच्चों के मूल विकास में भी प्रार्थना का अहम रोल देखती हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल। और आजकल नेहा जी मैं बोलूंगी फुल पैकेज का जमाना है। कहते हैं कि 90% हम बोलेंगे, हम बच्चों को ये नहीं कहते कि पढ़ो नहीं, तो 90% लाओ, 95% लाओ, वो तो लाओ ही लाओ, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज में आप गाते हैं, आप बजाते हैं, आप कुछ भी करते हैं, बोलते हैं, है ना, जैसे आपने बोला कविता बोलते हैं कुछ, अगर आप स्टेज पे जा रहे हैं, ये सब परफॉर्म करते हैं, हमें सिखाता है हाउ टू वॉक एंड हाउ टू टॉक। बच्चा स्टेज पे आता है, पार्टिसिपेट करता है, तो इनडायरेक्टली ये जो हमारी प्रार्थना सभाएं हैं ये बच्चों का संपूर्ण चारित्रिक विकास करती है, खाली म्यूजिक में ही नहीं, पूरा चरित्र। और आप देखिए जो बच्चे सीखते हैं या जो बच्चे बजाते हैं, अपने से बजाते हैं, आजकल बहुत सारे बच्चे तो यूट्यूब देख के बहुत सारा कुछ करते हैं, जैसे भी सीखते हैं, जैसा उनको समय है वो जैसे भी करते हैं, उनके चरित्र में एक अलग निखार आता है। और एक चीज मैं बोलूंगी, आज हमारे जमाने में नहीं होता था शायद, लोग इतने जागरूक नहीं थे, लेकिन आजकल बहुत ज्यादा एक होता है बच्चों में भी यह है कि हमारा बच्चा डिप्रेशन में चला गया, या बड़े लोग भी हैं कि वो बड़ा डिप्रेशन में चला गया। जितने लोग म्यूजिक से जुड़े हुए हैं और म्यूजिक चाहे वो सुनते हैं, चाहे वो बजाते हैं, चाहे वो गाते हैं, मेरा मानना है वो कभी डिप्रेशन में नहीं जाए। म्यूजिक उनको एक रूहानी ताकत देता है, एक हाँ एक उनको एक आत्मिक शांति जो देता है वो, और उनके व्यक्तित्व में एक अलग निखार लाता है। तो आखिर में हम भी थोड़ा सा म्यूजिक सुन के अपने व्यक्तित्व में निखार लाने की कोशिश कर सकते हैं, अगर आप हमें कुछ आखिर में सुनाना चाहें, आखिरी 2 मिनट है हमारे पास। मैंने तो बहुत कुछ सुना दिया आपको जी जी, बस क्लोजिंग में कुछ भी उसी में से ही जो आपको सबसे अच्छा लगे वो हमारे दर्शकों के लिए सुना दीजिए, और एक आखिरी नोट फाइनल कमेंट्स अगर आप कुछ देना चाहते हैं हमारे दर्शकों को। सुना तो मैंने आपको शायद बहुत कुछ दिया। हाँ, जैसे प्रार्थना मैं आपको बता रही थी, जब हम बच्चों को एक हम स्वर के बारे में बताते हैं कि देखो ये स्वर है, ये ताल है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि एक ताल में हमने गाना गाया, ये प्रार्थना हमने गाई थी हमको मन की शक्ति देना, तो जैसे मैंने आपको बताया कि 3-3 का बीट है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो हम इसी में बता सकते हैं कि इसी में देखो हम दूसरी प्रार्थना भी गा सकते हैं, तू ही दाता विश्व विधाता, तेरी दुनिया सारी, तेरी दुनिया सारी, 1 2
1 2 3 1 2 3। तो हम एक ही ताल के माध्यम से, एक ही स्वरों के माध्यम से हम कुछ दूसरे गीत भी बच्चों को बता सकते हैं। और मुझे लगता है कि मैंने जितना बताया है अपनी तरफ से कोशिश की है, और शायद बच्चों के काम आ सके और उनको अच्छा लगे। और जो यहाँ पर अध्यापकगण और हैं या जिन्होंने लिख के भेजा है, बहुत कुछ करते भी हैं अध्यापकगण, लेकिन हम एक दूसरे के साथ सुन के बात करके हम बहुत कुछ सीखते हैं, एक दूसरे से चर्चा करके। जब हम मिलते हैं तो हम चर्चा करते भी हैं कि आप क्या कराते हैं या हम क्या कराते हैं। और जिस तरीके से मैंने बोला कि हम इंटर हाउस कॉम्पिटिशन करते हैं, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में हम मिल पाते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं एक दूसरे के सानिध्य में आकर। जी बिल्कुल, आज हमने भी बहुत कुछ सीखा और मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों ने भी बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आप इस वीडियो को दोबारा देखना चाहें और ये सारी सीख अपने पास और अच्छे से अपने अंदर इनकलकेट करना चाहें, तो आप हमारा ये वीडियो हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी ऑफिशियल पर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर ममता फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर दिस वेरी म्यूजिकल सेशन। थैंक यू नेहा जी, थैंक यू सो मच। इस सेशन में बस इतना ही, चंद मिनटों में दोबारा हाजिर होते हैं और इस बार बात होगी हेल्दी कम्युनिटी लिविंग की। बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।